बहुत लंबा सेमेस्टर है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और ऊपर से घर जाओ, घर जाके भी पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। मुझे नहीं पता कुछ करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता भाई। कह तो तुम ठीक रही हो, पढ़ाई का वजन वैसे ही बहुत है। जल्द से जल्द इस पेपर से जान छूटे, तब जाके जहनी सुकून मिलेगा। बस यार कहीं चलते हैं, मैं तो कहती हूँ तंग आ गई हूँ मैं पढ़ पढ़ के। आपकी रूटीन तो वैसे भी चेंज होने वाली है, फिर कहाँ आप हमें मुंह लगाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे इतने मशकूक अंदाज से ना आपको देखना नहीं चाहिए था मुझे। क्यों भाई? जो होना होगा ना वो हो जाएगा, क्या सही क्या गलत ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे वो है कहाँ? कौन वो? ओ वो मेरे ख्याल में क्लास ले लेते हैं हम, फ्लोर आ गया हमारा। अब तुम ऐसा करोगे? अच्छा आजा 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 आजा। जब मैं आया था तो तुम क्लास में जा चुकी थी, फिर मैंने कहा आया हूँ तो मिल ही लेता हूँ। वैसे बहुत वेट किया मैं तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा तो किसने कहा था तुम्हें वेट करने का? काम था मुझसे कोई? काम तो नहीं था, लेकिन वैसे कहीं लंच करने चलते। वैसे मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा एक घंटे में ना क्लास है अभी नहीं। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने नाश्ता करने का, क्यों नहीं करके आते? अब कौन सी तुम्हें क्लास लेनी होती है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। चलो ये भी अच्छी बात है कि तुम इतनी अकलमंद नहीं हो। वैसे लड़की को ना थोड़ा सा बेवकूफ होना चाहिए, जिंदगी बड़ी आराम से रहती है कसम से। ओ हेलो मिस्टर, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूँ। अपनी ना ये गलतफहमी दूर कर लो, बता रही हूँ मैं। और वो तुम अपने पापा के ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? पता है रोज रोज तुम यहाँ आ जाते हो, लोग क्या क्या बातें बना रहे, तुम्हें क्या पता? ये तो भाई अच्छी खबर है कि अब लोग बातें बनाना भी शुरू हो गए। वैसे क्या बोलते बताओ? लोग ये कहते हैं कि मिस्टर साहिर कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा क्लासेस लेनी पड़ रही है। कौन कहता है ये, जरा नाम तो बताओ। और ये ना ये सब जलते जो ये बातें करते हैं, वो सबसे हाईएस्ट जीपीए आया था मेरा, और तुम्हें तो पता है ये बात। मुझे पता है ना, लोगों को तो ये बात नहीं पता। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। बाय।